फ्रेंड, आज क्या बनाएंगे? यस पीकॉक, बहुत दिन से आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, रिक्वेस्ट पे आ रहा था, सर कैसे बनाए, है ना? दुर्गा पूजा दुर्गा मूर्ति पे बन गया, तो कार्तिक का वाहन तो बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी तरीका से आज दिखाएंगे आपका। कोई भी आर्मेचर, कोई भी कुछ, सिर्फ मिट्टी और कुछ टूल्स ले लीजिए, बस। बहुत आसान तरीका से इसको फटाफट बना देता हूँ, ठीक है? आप मिट्टी ले लीजिए, जैसा पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाया था, जो सरस्वती का वाहन, तो सेम इसमें भी एक मिट्टी मिट्टी को क्वाइल टाइप का बनाने के लिए आप एक साइड में छोटा, दूसरा साइड में थोड़ा लंबा कीजिए, है ना? जो नेक गला है उसमें थोड़ा लंबा कर दीजिए। तो ये बेसिक जो फॉर्म है ये एक ही बार में बन गया, ठीक है ना? इसको एक बार में नहीं होगा तो बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना अच्छा होगा, नहीं तो तोड़ दीजिए, फिर से बना लीजिए, ठीक है ना? तो देखिए ये फॉर्मेशन बन गया बेसिक। अभी जो कॉम्प्लिकेटेड है, इसका पूंछ बनाना है। बहुत बड़ा पूंछ होता है, बहुत अच्छा, एकदम बहुत सुंदर एक पूंछ होता है, लेज, है ना? तो इसको कैसे बनाए, इसको पैर भी कैसे खड़ा करें विदाउट आर्मेचर, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा एक ट्रिक्स दिखाता हूँ। देखिए एक मिट्टी का लोई ले लेता हूँ, तो इसको पैर का जगह में इसको लगा देता हूँ, ठीक है? पहले फिक्स कर देता हूँ, फिक्स्ड हो गया, ये पूंछ भी टूटने का डर रहता है ना? तो इसको भी ये जो लई है, जो सपोर्ट है, इसका सपोर्ट के साथ जोड़ देता हूँ। अभी इसमें पैर का ड्राइंग करेंगे, ठीक है? ये पैर का यहाँ पे ड्राइंग हो गया, बस। तो क्या करें, जब जैसा काऊ बनाया था, याद है? वो एक बार वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने थोड़ा उसी टेक्निक को फॉलो करेंगे। नीचे वाला क्या लक्कर का कुछ ऐसा कुछ फॉर्म बना देंगे और पैर को वहाँ से स्कूपिंग करके पैर को निकाल लेंगे, मतलब पैर का फॉर्मेशन को रख के बाकी हिस्सा उसको डॉट कुछ टेक्सचर डाल के उसको वैनिश करेंगे, बस। इसको विजुअल वैनिश, ठीक है ना? अभी पंख ऊपर से इसको बॉडी का वॉल्यूम के लिए दोनों साइड से दो पंख लगा देता हूँ। मतलब बार्ड जब बनाएंगे, बार्ड में मैक्सिमम सेम टेक्निक को फॉलो कीजिए। अलग अलग फॉर्म होता है, थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन बेसिक जो टेक्निक्स है इसको फॉलो कीजिए। पीछे का तरफ थोड़ा छोटा हो गया, अभी ऐड करना पड़ेगा। हाँ अभी ठीक है, ठीक है, हो गया। पैर को बाद में करेंगे, अभी थोड़ा ऊपर काम कंप्लीट करता हूँ। ये हेड थोड़ा गोलाई मोटा होता है, इसको करके बाद में पैर को करेंगे। ये होंठ लगा देता हूँ, छोटा सा एकदम पॉइंट मिट्टी, है ना? और हेड का ऊपर इसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, तो लगा दिया, हो गया। इसको छोटा मोटा डिटेलिंग करना पड़ेगा, तो टूल्स लेके सेंटर में कुछ इसका लाइन दे देते हूँ, इसमें आँख बना देता हूँ और होठों में थोड़ा लाइन दे देता हूँ, बस। इतना सिंपल है, हो गया। अभी क्या करना है, अभी पैर को थोड़ा ठीक कर देता हूँ, पतला करना पड़ेगा ना, क्योंकि मोटा हो गया वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको पतला कर दे, क्योंकि सपोर्ट का कोई डर नहीं है अभी, क्योंकि पूंछ जितना मोटा है उसमें सपोर्ट तो हो ही गया, रागे का तरफ थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो बस, और हिलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना?
देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी देखिए ये राउंड टाइप का कुछ टूल्स ले लीजिए, और ये टूल्स नहीं रहेगा तो आप वायर बेंड करके इसको बना लीजिए। बस देखिए कितना अच्छा टेक्सचर हो गया। बस सिंपल, मतलब फॉर्म को लेके सिंपल तरीके से सोचिए, है ना, इसको कैसे बना, इसको बहुत मिट्टी ऐड करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा मत सोचिए। फॉर्म को देखिए, यहाँ पे गोलाई गोलाई है, कैसे बना सकते हैं। कोई ढक्कन ले लीजिए, छोटा छोटा कुछ इधर उधर पड़ा रहता है, उस टाइप का कुछ ले लीजिए, लेके बना दीजिए इस टाइप का टेक्सचर, है ना। अभी देखिए इसमें मेन जो चीज़ है पंख, इसका कैसे बनाए। छोटा छोटा ये देखिए मिट्टी का फॉर्म लेके बस नीचे से ऐड करते जाइए, ये ऊपर से नहीं होगा, नीचे से करते करते जाना पड़ेगा, है ना। और ऊपर हाँ ऐसा करके मिटा दीजिए। फिर से सेकंड लाइन, सेकंड लाइन हो गया। इसमें क्या होगा, एक डायमेंशन आएगा, एक वॉल्यूम आएगा। आप उसके जो स्लैब मैंने पहले जो सरफेस बनाया था उसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जब ये करेंगे तो इसमें क्या होगा, थोड़ा डायमेंशन आएगा, थोड़ा और भी रियलिस्टिक लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना। बस हो गया। अभी ऊपर क्या करें, ये देखिए डॉटेड, बस इस टाइप का कुछ ढूंढ लीजिए, जैसा पेन है, सीस है, है ना, इस टाइप का कुछ लेके ऐसा टेक्सचर बना दीजिए राउंड राउंड, और साइड से इस टाइप का लाइन दे दीजिए। लाइन में भी देखिए ज़्यादा आप हार्ड लाइन, मतलब हार्ड लाइन मतलब ज़्यादा टूल्स लेके स्क्रैच करते जाएंगे तो उसमें अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो थोड़ा सा हल्का करके स्क्रैच कीजिए लाइन की, करके उसके ऊपर ब्रूस चला दीजिए, क्योंकि उसका जो सॉफ्टनेस है ना, जो पंख का जो एक एक क्या बोलते, तो वो जो सॉफ्ट है ना हेयर का, तो वो रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देखिए हो गया पूंछ। और भी डिटेल कर सकते लेकिन मैं सिंपल करके दिखाया। अभी देखिए जो वेनिश करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो एरिया है ना, इसको थोड़ा डॉट डॉट डाल के कुछ डार्क हो जाए तो ये छुप जाएगा, तो पैर आगे का तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। और जो नीचे वाला हिस्सा जैसा वो हम लोग सपोर्ट के लिए यूज़ किए थे, उसको हम लोग लगकर इस टाइप का कुछ टेक्सचर बना देता हूँ, ठीक है ना। तो फ्रेंड कैसा लगा, आप लोग बनाइए, मेरे को भेजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कमेंट पर लिखिए कैसा, ठीक है। ब्रश से थोड़ा पॉलिश कर दीजिए, बस देखिए कितना अच्छा बन गया। थैंक यू फ्रेंड्स।